वो क्या कह रहे हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ कि उनकी गिरफ्तारी पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं हुई। उन्होंने जो कुछ किया है वो बहुत शर्मनाक है। पीटी उषा जी ने उनको संज्ञान लेकर के इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए थी। उसके बाद वो इंक्वायरी कमेटी की भी सदस्य है, उनकी क्या रिपोर्ट है उसको उन्होंने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। उसी के एक सांसद के खिलाफ इतनी FIR क्यों? वो तो आप योगी जी से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रही हैं। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। लगातार खिलाड़ी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच में हमारे साथ है सुभाषिनी अली, जो महिलाओं के मुद्दों को लेके हमेशा खड़ी रहती है, हमेशा ये प्रोटेस्ट में रहती है और साथ रहती है। लेकिन जहाँ पे एक तरफ से ये महिलाएं, वहीं पे दूसरी तरफ से ओलंपिक्स की जो अध्यक्ष है पीटी उषा और सांसद भी है बीजेपी की, उन्होंने एक बयान दिया है मैम कि इनको धरने पे नहीं आना चाहिए, ये शर्मनाक है, उन पे आप क्या कहें? मैं ये कहूँगी कि उन्होंने जो कुछ किया है वो बहुत शर्मनाक है। पीटी उषा जी ने, इन लोगों ने उनको पत्र भेजा था जनवरी में, उनको संज्ञान लेकर के इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए थी। उसके बाद वो इंक्वायरी कमेटी की भी सदस्य है, उनकी क्या रिपोर्ट है उसको उन्होंने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। अब एक FIR भी दर्ज हो चुकी है, वो ये मांग नहीं कर रही कि FIR के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, तो शर्म तो उनको आनी चाहिए। इसमें एक बबीता फोगाट जो यहाँ पे है वो भी उसकी मेंबर रह चुकी है, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो भी तो वहाँ पे मेंबर थी कमेटी की मेंबर। वो तो आप पुलिस से बात करिए, वो तो कह रही है कि हमसे छीन लिया गया है, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन जो कमेटी की रिपोर्ट को तैयार करने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो कमेटी को पब्लिक करें। ब्रजभूषण सिंह अपने आप को वो क्या कह रहे हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ कि उनकी गिरफ्तारी पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं हुई। लेकिन आप सामने में देखिए मैम, वहाँ पे लगातार 38 FIR उनके खिलाफ में है, उनके ऊपर 38 FIR लगे हैं और ये दो और बढ़ के 40 हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी पार्टी जो हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, हमेशा राम राज की बात करती है, गुंडा राज खत्म करने की बात करती है, उसी के एक सांसद के खिलाफ इतनी FIR क्यों? वो तो आप योगी जी से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? जी तो देख सकते हैं सुभाषिनी अली ने अपने आप को हटाते हुए, इन्होंने बहुत ही महिला के लिए ये खड़ी होती है तो महिलाओं के लिए इन्होंने जवाब दिया है कि पीटी उषा ने जो किया वो बहुत गलत किया, उन्होंने बहुत गलत बोला है। हम तमाम लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ बने रहिए।